हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोग ठीक होंगे, अपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन है 563, बी नंबर ऑप्शन है 10,83,576, सी नंबर ऑप्शन है 1,048 और डी नंबर ऑप्शन है 1,024। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या होती है 1024। क्वेश्चन नंबर वन का डी नंबर जो ऑप्शन 1024 है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज बताना है कितना होगा, 96, 6, 2 या फिर 1। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें न्यूनतम फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें तो 2 होता है। न्यूनतम फॉन्ट साइज आपका 2 तक हो सकता है। 2 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि फार्मूला इक्वल काउंट B1:B3 का मान क्या होगा। फार्मूला इक्वल काउंट B1:B3 का मान क्या होगा, जहां पर B1 5, B2 a और B3 6 है। तो अगर हम काउंट B1:B3 करेंगे तो वहां पे आएगा रिजल्ट क्या आएगा हमारा, B1 से B3 अगर हम करते हैं तो काउंट में क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर जो है कि B1 में 5 है, B2 में A है, B3 में 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि केवल न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल को काउंट करता है आपका काउंट। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका B1 और B3 को काउंट करके 2 रिजल्ट देगा। फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री, लिब्रे ऑफिस के स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम क्या है। लिब्रे ऑफिस के स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम क्या है, कैलकुलेटर, राइटर, बेस या फिर कैल्क। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैल्क। लिब्रे ऑफिस में कैल्क जो है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या कितनी होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें रो की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन क्या आपके पास, 16,384, 1,024, 10,88,576 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो की संख्या है 10,88,576 होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल के एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किसका शॉर्ट क्या शॉर्टकट की होता है। अगर आपको एक ही सेल में एक नया पैराग्राफ या फिर नया लाइन लिखना है तब के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट इंटर, ऑल्ट इंटर, कंट्रोल इंटर या फिर विंडोज की प्लस इंटर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल इंटर अगर आप एक ही सेल में डबल लाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल इंटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर सेवन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को क्रम से व्यवस्थित या फिर सॉर्ट करने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल होता है। नॉर्मल व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, पेज लेआउट का या फिर ड्राफ्ट व्यू का। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल जो है कि स्लाइड को क्रम में व्यवस्थित करने या फिर सॉर्ट करने के लिए होता है। सेवन का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, ODS, ODT, ODP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है इंप्रेस का, तो उसका होता है .odp। क्वेश्चन नंबर एट का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, .odp जो है कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन जो है कि आपका इंप्रेस का एक्सटेंशन होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर नाइन, जो कि है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप चार्ट किस मेनू से इंसर्ट करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे, फाइल का, टूल का, स्लाइड का या फिर इंसर्ट का। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो चार्ट है, चार्ट किस मेनू से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मेनू से इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 9 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, किसे स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। किसी स्लाइड पर अगर कोई आइटम है जिस पर क्लिक करने पर कोई क्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं या फिर प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो किसी स्लाइड पर जो है कि जो ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर, क्या बोलते हैं, ट्रिगर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हेडर एंड फुटर किस मेनू से लगाया जाता है। हेडर और फुटर लगाने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे,
फाइल का, फॉर्मेट का, टूल्स का या फिर इंसर्ट का। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हेडर और फुटर के लिए कौन सा मीनूस लगाया जाता है, तो वो इंसर्ट मीनूस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होते हैं, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, ऑल्ट डी या फिर शिफ्ट F3। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, शिफ्ट प्लस F3। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर जो कि है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1, अनटाइटल्ड 1, स्लाइड 1 या फिर फाइल 1। तो उसका नाम होता है अनटाइटल्ड 1। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर जो ऑप्शन है अनटाइटल्ड 1, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर जो कि है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, F5 या फिर कंट्रोल ऑल्ट V। तो लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे आप लास्ट एडिटेड स्लाइड पर, पिछले एडिट किए हुए स्लाइड पर जाने के लिए। 14 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है लिब्रे ऑफिस में साइड बार को शो हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, साइड बार को शो हाइड करने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट F5, कंट्रोल F5, ऑल्ट F5 या फिर ऊपर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल होता है साइड बार को शो या फिर हाइड करने के लिए। 15 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंप्रेस में जो कोई प्रेजेंटेशन होता है उसको आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, GIF, BMP या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी, इन सब में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, GIF, BMP सब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 16 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करेंगे, F2, कंट्रोल F2, F3 या फिर F4। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपका होता है F2, F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तब के लिए हम F2 की को प्रेस करके टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन से फाइल फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं, जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रोग्राम है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इनमें से किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को जोड़ा जा सकता है, .wma, .wmv, .mpeg या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कि ऑल ऑफ दी ऑप्शन जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में WMA यानी विंडोज मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया वीडियो या फिर मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि MPG वीडियो सभी प्रकार के ऐड कर सकते हैं। 18 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर आपको नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल M या फिर कंट्रोल P। तो न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल एम, कंट्रोल एम का इस्तेमाल करेंगे आप न्यू स्लाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड के विभिन्न वस्तुओं पर मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए किसका उपयोग होता है, मोशन इफेक्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का, ट्रांजिशन का, एनिमेशन का या फिर स्लाइड्स का। तो आपका होता है एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जो भी कोई वीडियोज आपको मिलेंगे बहुत सारे आपको CCC से रिलेटेड हमारे चैनल पर, तो आप उन सबको देखते रहिए और अपने CCC एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा ग्रेड हासिल कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।